बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांजल जेड़ को ठंडो पानी पे ओला जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भद्राकाल आ गया है और आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन की तरह होली पर भी यह काल आ जाता है यानी भद्राकाल। यह कैसा है, क्या इसमें राखी बांधनी चाहिए नहीं बांधनी चाहिए, इस बारे में आपको बताएंगे। इस पर भारतीय संस्कृति धर्म आध्यात्म के साथ ही ज्योतिष कर्मकांड समेत भारतीय यानी सनातन धर्म के प्रकांड विद्वान आचार्य डॉक्टर गोविंद बल्लभ जोशी, लेकिन जब तक मैं उनसे बात शुरू करूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आचार्य डॉक्टर जोशी जी इस बार आपको ऐसी जानकारी देंगे जो संभवतः आपने न कहीं पढ़ी होगी न सुनी होगी न आपको कहीं ये गूगल में ये चीजें मिलेंगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये कल जो रक्षाबंधन है और उसमें भद्रा जो आ रहा है कालखंड की, उसमें रक्षा बंधन नहीं होगा मतलब राखी नहीं बांध पाएंगे, इस पे थोड़ा जानना था कि वास्तव में है क्या और हमारे त्योहारों में ऐसी चीजें क्यों आ रही बार बार कि कभी भद्रा आ जाता है कभी कुछ, दो दो दिन क्यों जा रहे हैं ऐसे। देखिए ऐसा है, ये तो पहले से भी ऐसा होता था लेकिन अभी मीडिया का और सोशल मीडिया ये जो समाचार पत्र हैं उसमें भिन्न भिन्न किस्म के लोग अपने अपने मत को व्यक्त करके अपनी अपनी एक विशेष ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंचांगकर्ता पहले ही इस चीज को लिख देते हैं कि कौन पर्व किस दिन होगा। और जैसे आप देखिए पूर्णमासी कल 30 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगी दिन में, लेकिन सुबह पर पूर्णमासी है नहीं कल। अब पूर्णमासी हम देखते हैं कि पूर्णमासी का स्नान भी होता है, स्नान प्रातः काल होता है दिन में शाम को नहीं होता है, इसलिए उसका जो पुण्य फल है वो 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में जो स्नान होता है उसमें, जैसे मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं तो वाली महिला भी पूछती है पंडित जी पूर्णमा पुण्यो कब छ कै दिन छ है ना, व्रत की कब है और मान्यता की कब है। अच्छा तो, ये जो रक्षाबंधन है मैं बता रहा अधूरा रह जाएगा नहीं तो हाँ, हाँ, इसीलिए हाँ, जैसे व्रत है तो व्रत कल होगा पूर्णमासी का हाँ, क्योंकि व्रत शाम को खुलेगा और पूर्णमासी का जो पुण्य काल है परसों होगा, तो उदय काल के समय की जो तिथि है स्नान दान जप कर्मसु, स्नान दान और जप के के लिए प्रातः काल तिथि का होना आवश्यक है, इसीलिए रक्षाबंधन परसों, कल भी हो सकती थी दिन में इसलिए नहीं होगी कल है। भद्रा के विषय में डॉक्टर साहब बड़ा भद्रा सदैव चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होता है। भद्रा जब स्वर्ग में हो, भद्रा जब पाताल में हो तब पृथ्वी में नहीं होती है जी। तो उस समय में पृथ्वी में कोई भी कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए अब के बार भद्रा पृथ्वी में है। अच्छा कर्क सिंह कुंभ और मीन का जिस दिन चंद्रमा है तो उस दिन भद्रा पृथ्वी में होती है, तो कल भद्रा तिथि है, भद्रा में तो विशेष करके दो पर्व तो कतई नहीं होने चाहिए ऐसा शास्त्रों का मत है। नय सिंधु और धर्म सिंधु जो हमारे धर्म शास्त्र के निर्णायक ग्रंथ हैं ज्योतिष और धर्म शास्त्र के लिए हाँ। वो कहते हैं भद्रायाम नैव कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी हाँ। श्रावणी माने रक्षाबंधन, फाल्गुनी माने होली, इन तिथि भद्रा में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रावणी श्रावणी यदि भद्रा में होगा तो राष्ट्र के सर्वोच्च के लिए कष्टदायक है, राष्ट्र में अगर
राष्ट्र के राजा को कष्ट है तो पूरा राष्ट्र कष्ट में आता है। और फाल्गुनी दहति ग्रामान, फाल्गुनी भद्रा में होगी तो अग्नि होते हैं। अच्छा, इसीलिए पर यह है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। जी, हिंदू धर्म सनातन धर्म में कोई भी जो पर्व है हमारे प्राचीन, उसमें केवल अपने निजी सुख के लिए काम नहीं होता है, पूरे मानव समाज के लिए, प्रकृति के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य है। जी, हमारे प्राचीन, आपको बड़ा आश्चर्य, सुखद आश्चर्य होगा। हाँ। क्योंकि आप इस विषय पर बहुत गंभीरता से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी प्रसन्नता हो रही है आपको ये बताने में। जी, तो देखिए, हमारे जो प्राचीन राष्ट्रीय पर्व, प्राचीन राष्ट्रीय जो आध्यात्मिक धार्मिक पर्व है, में उनमें हमारे चारों वर्णों को एक के साथ रखते हुए चारों पर्वों को चारों वर्णों में बांटा गया है। एक सबसे पहला जो पर्व है वो है श्रावणी। हाँ, रक्षाबंधन। हाँ। आजकल जिसे रक्षाबंधन पंजाब में रखते है। हाँ। और मूलतः इसको कहते हैं श्रावणी उपाकर्म, इसमें यज्ञोपवीत धारण करके रक्षा सूत्रों को प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ण को बांधा जाएगा, ये आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का पर्व है। हाँ, तभी पहाड़ में पहले ब्राह्मण आते थे घरों में पूजा करने, अब ये भाई बहन का आ गया और उसने जबरदस्ती वो हुमायूं को जोड़ दिया भाई बहन, जबकि इस्लाम में तो भाई बहन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ जो दूध पीते हैं एक माँ के वो भाई बहन, कुछ शादी नहीं कर सकते, बाकी तो किसी से भी शादी कर लेते हैं। तो आखिर जब इस्लाम के लोगों को जबरदस्ती क्यों जोड़ दिया गया इस धर्म इसमें कि वो राखी बांधी थी उसने रानी को, कर्णावती और क्या क्या क्या, ये कैसे आ गया? जब ऐसे 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 प्रसंग बीच बीच में जुड़ जाते हैं। हाँ। और जिससे जो है लोग सोचते हैं समाज का हित हो जाएगा या क्या होगा, तो मैं समझता हूँ बहन को हर किसी के पास अपना नहीं देना, ये राखी बांधने के लिए। और दूसरा, मैं आपको इसका इस पर भी विस्तार से बताऊंगा। तो जो ये हुमायूं आदि से जोड़ दिया गया, ये सब कल्पनाएं हैं, चलो अच्छा है राष्ट्र में सुख शांति के लिए ऐसे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं दिखाई दिया कालांतर में। हाँ। ये बात का एडिशन समझिए। हाँ। और सच पूछिए तो भाई बहन का प्रमुख पर्व हमारा भारतीय जो है वो भैया दूज है, जो दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद आता है। हाँ। तो वो भैया दूज यम द्वितीया भी जिसे कहते हैं, जिस दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना को मनाने के लिए जाता है, और हिमालय बेल्ट पर जो चूड़ा होता है। हाँ। है ना। हाँ। चूड़ा भाप तो बिहार उत्तर प्रदेश में भी खाया जाता है। हाँ। उससे चावलों से चूड़ा से बहन भाई का सिर पूछती है और उसके सिर में धूप रखती है। है ना। और द्वितीया की धार वो जो है शुक्ल पक्ष कार्तिक की द्वितीया को मनाया जाता है। ये बताइए ये कैसे आ गया इसमें रक्षा सूत्र? तो एक चीज देखिए, यदि रक्षा ही करनी है तो रक्षा तो पति करेगा ना, भाई तो ठीक है। हाँ, भाई के भी करेगा। ये कॉन्सेप्ट तो कैसे आ गया हिंदू धर्म? ये आपने सही कहा। ऐसे एक विचारणीय प्रश्न है, विवाह के बाद तो पति का मतलब ही पत माने होता है रक्षा। हाँ भाई, भगवान राम ने भी तो अपनी पत्नी की रक्षा की ना, और पांचों पांडवों ने अपनी पत्नी का जो अपमान हुआ था उन्होंने पूरा, भीम ने तो प्रण ले लिया था। तो हिंदू धर्म या हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो पतियों ने ही, तो ये कहां से, कहीं आप बताइए इतिहास में कहीं ऐसे उल्लेख मिलते पौराणिक कथाएं या इतिहास में कि पत्नियों ने बांधे हो या ऐसे रक्षा? ये कई जगह इंद्र को, आप इंद्र का उदाहरण दीजिए आप, और जब भगवान विष्णु जो है बलि के यहाँ बंध गए थे तब महालक्ष्मी ने बलि को बांधा और अपने पति की रक्षा के लिए उनको ले आई। हाँ, वो एक श्लोक भी है, क्या है वो एक श्लोक? और हाँ वो है आज मंत्र रक्षा बांधने का मंत्र ही ये, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धा में रक्षे माचल माचल। तो फिर ये कैसे अच्छा आ गया, ये बहनों के और भाई का कैसे आ गया? विवाह संस्कार होता है, कंकण बांधा जाता है। हाँ, ना। हाँ। पति के चरण स्पर्श होते हैं, वो स्नेह करता है, आशीर्वाद, अभिन्न रूप से पति पत्नी एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लिया जाता है, सुख हाँ। दुख को निभाने का लिया जाता है। हाँ। है ना। वैसे भी आप देखिए हाँ।
तो भाई रक्षा करेगा ये तो अब माना एक अमेरिका में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, हाँ। कोई बात हो गई तो भाई पति पति परिवार ही तो रक्षा करेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो मुझे एक चीज आर्थिक रूप से मदद कर सकता है वो अलग चीज है। अच्छा जरा मुझे एक चीज इसमें आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि भाई बहन की जहाँ तक आप बात करते हैं हो सकता है कोई सहमत न हो आज भी कि जैसे इसमें एक आ रहा है कि भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी शूर्पणखा ने और उसके बाद उसका कुल नष्ट हो गया, लेकिन मैं इसे दूसरी नजरिए से देखता हूँ, मेरी दृष्टि दूसरी है। मैं कहता हूँ कि पूरी मानव सभ्यता में अकेला रावण ऐसा भाई हुआ जिसने अपनी बहन के अपमान के लिए अपना कुल पूरा राजपाट वंश दांव पे लगा दिया था और वो नष्ट भी हो गया। अब एक देखिए रावण इतना विद्वान था, उस भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि भाई उनसे धर्म की ज्ञान की राजनीति की शिक्षा लो, इसका मतलब वो ब्राह्मण खुद था तो वो भी तो जानता था फाल्गुनी में, ये कथाएं कैसी जोड़ दी गई हैं? डॉक्टर साहब आपके एक बात बताऊं आपको मैं जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हाँ या कोई क्षत्रिय कुल में अन्य कुल में जन्म ले रहा वो कर्म करे, वो रावण एक प्रकार का सत्ताधीश था, राजा था और अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, ये रावण के लिए प्रसिद्ध था। हाँ। और शूर्पणखा का जो प्रसंग है इस पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और जो रावण के समान ही बलिष्ठ था। हाँ, रावण ने हत्या की थी ना उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो और उसे खतरा महसूस होता था सदैव, ये मेरे कहीं सत्ता को मेरे न छीन ले। हाँ, तो अपने रनिवास में विद्युत जिह्वा और शूर्पणखा अपने में सोए हुए थे और उस समय चुपचाप आके रावण ने विद्युत जिह्वा का अपने चंद्रहास खड्ग से उसका सिर काट दिया। हाँ, हाँ। तो गर्म लहू जब शूर्पणखा के शरीर पर स्पर्श हुआ तो उसको लगा हो इसको तो रावण के अलावा कोई नहीं मार सकता है। तब उसने प्रण किया कि मैं जैसे मैं वैधव्य को प्राप्त होगी सारी लंका को ऐसा ही प्राप्त होगी और तब उसने उचित समय ढूंढा भद्रा काल के समय, यही शास्त्र वचन देखकर भद्रायाम न कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी श्रावण नृपतिर हंती, श्रावणी नृपति राजा को नष्ट करती है। ओ। तो उसने भद्रा तिथि को चुन करके उसने रावण को भद्रा में राखी बांधी और वो भद्रा रावण के लिए और भी और जब कष्टदायी हो गया। हाँ। और जब शूर्पणखा ये प्रसंग महात्म्य के रूप में आप बहुत बड़ी दे रहे हाँ। बताना हमारे समाज को जरूरी है। हाँ। और शूर्पणखा के विषय में दुनिया भर की बातें करते हैं लोग, तो जब पंचवटी में शूर्पणखा गई उसे पता था कोई रावण को संहार करने के लिए कोई राजकुमार आए हैं, तब उसने उसी समय राम और शूर्पणखा का जो संबंध है वो इस बात का रहस्य बनाता है। शूर्पणखा ने लोग कहते हैं राम को ब्याहने के लिए कहा ब्याहने के लिए कहा, वो तो एक दोनों लीलाओं को राम और शूर्पणखा ही जानते थे। तो उस समय चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान वाल्मीकि ने भी रामायण में लिखा है संस्कृत, शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी यह संयोग विचारी। हाँ, याद है मुझे भी ये था। है ना, आप विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हारे समान पुरुष नहीं मेरे समान नारी नहीं, संयोग विधाता ने रच दिया। क्या संयोग रच दिया भाई, विवाह का संयोग थोड़ी रचाता, रावण के संहार का संयोग रचाता। तो तब उसने सारी रचते रचते अपने को कुरूप बनाया, जैसे आप कह रहे थे रावण अपनी बहन के लिए संघर्ष करता रहा, उसने अपनी बहन के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। और सत्ता लोलुपता उसने केवल जानकी जी का हरण करने के लिए, आप देखिए ना जब शूर्पणखा की नाक कट गई वह रूप बना दिया, वही उसके भी संहार का रावण के संहार का कारण बना। शूर्पणखा गई उसने कहा क्या हुआ, बोले दो राजकुमार आए हैं संग में नारी है और मैं तुम्हारे लिए उस नारी को लाना चाहती थी, उन्हें हल कर दिया तो बहन का अपमान तो भूल गया, उसको केवल नारी दिखाई दी।
हाँ तो चलो ये तो हम क्लियर हुआ, लेकिन इसमें बताइए अब चारों उसमें हम आते त्योहारों पे कि ये जो ये था इस समय मतलब एक राष्ट्र की रक्षा के लिए एक ऐसा पर्व होना चाहिए जब पूरा राष्ट्र जुड़ता उससे, लेकिन ये भाई बहन के इन्होंने पता नहीं मित्र कैसे जुड़ गया, जबकि यम यमी वाला भाई दूज होना चाहिए था। अब दूसरे पे हम आते हैं, दूसरा जो मिलिट्री पर्व यम द्वितीया को भी मनाते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कहता हूँ कि कोई इसमें समाज नाराज हो, क्योंकि एडिशन होना अच्छा है, भाई बहन भी इसको मनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने यम द्वितीया को भैया दूज को न भूले। और दूसरा राष्ट्र रक्षा भी हो इसमें, मतलब ऐसे राष्ट्र की रक्षा के लिए गृह रक्षा सूत्र भी बनना चाहिए ना, मतलब ये है राष्ट्र देखे किसी भी राष्ट्र के लिए चार पावर होते हैं डॉक्टर। हाँ पहले पावर है स्पिरिचुअल पावर। हाँ वो यही है, यही है रक्षाबंधन, जिसमें स्पिरिचुअल पावर राष्ट्र की रहेगी, राष्ट्र की संस्कृति बची रहेगी, राष्ट्र का धर्म बचा रहेगा, राष्ट्र की कल्चर बचा रहेगा, तो राष्ट्र एक रूप रहेगा। हाँ, अच्छा दूसरा आता है आज सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र के अंदर नाना प्रकार के हमले हो रहे, जब जब भी सांस्कृतिक रूप से भारत को कमजोर किया गया तब तब भारत बहुत कमजोर हुआ। जब सांस्कृतिक रूप से हम सत्ता चाहते लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से एक से थे, हमने अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर लिया था, वापस ले आए थे। और दूसरा पर्व डॉक्टर साहब है इसके बाद स्पिरिचुअल पावर के बाद है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का जो पर्व है हमारे यहाँ सैन्य शक्ति का, वो है हमारे यहाँ विजयादशमी। नवरात्र के बाद विजयादशमी आती है, उसका होस्ट जो है संयोजक क्षत्रिय वर्ग है, और सबके कल्याण के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्व हम सब तो मिलके मनाते हैं। हाँ, जैसे रक्षाबंधन को ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वर्ग जो है सबकी रक्षा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए समग्र समाज को रक्षा सूत्र बांधता है। तो इसी प्रकार से विजयादशमी हमारा मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति को समृद्ध करने का पर्व। तीसरा पर्व हमारा इकोनॉमिक पावर, आध्यात्मिक पावर, मिलिट्री पावर, और उसके बाद इकोनॉमिक पावर। आर्थिक रूप से भारत सोने की चिड़िया तभी कहलाता था, भगवान कृष्ण का शासन हो चाहे राम का हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, राजा भोज आदि सारे जिस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, आज डॉलर से मुद्रा मापी जाती है। तो जो इकोनॉमिक पावर है, आर्थिक शक्ति मजबूत करने का जो पर्व है वो है दीपावली। आयोजित तीसरा वर्ण वैश्य वर्ण होता है और सब उसको मनाते हैं, सब घर घर में महालक्ष्मी पूजी जाती है बिल्कुल। और राष्ट्र लक्ष्मी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बात होती है, राष्ट्र का खजाना ठीक ठाक रहेगा तो उस समय हमारे यहाँ सारे इस समय चंद्रयान चंद्रमा भी पहुंच गया है, मिलिट्री के लिए हमारे अनेक हथियार भी बन रहे हैं, फाइटर भी बन रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आर्थिक शक्ति मजबूत करने का पर्व जो है उसमें महालक्ष्मी की आराधना होती थी, समग्र समाज मनाता था। ये सब राष्ट्रीय एकता के पर्व है, सामाजिक एकता के, कभी द्वंद नहीं रहा कि ये जाति नहीं करेगी वो जाति, सब मनाते हैं उसको। उसके बाद चौथा पर्व है हमारा होलिकोत्सव, फाल्गुनी जिसको कहें। हाँ तो ये जो होली का जो है एक रस हो जाना, उसमें हमारा जो चतुर्थ वर्ण है तो वो वर्ण उसका संयोजक होता था, और सारे एक रस होकर के एक साथ होकर के भेदभाव कहीं नहीं रहेगा समाज में, तो मनाते सब थे उसका संयोजक वो चौथा वर्ण रहता था। इस प्रकार से हमारे यहाँ स्पिरिचुअल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और मेन पावर श्रम शक्ति, वो सब के मजबूत करने के चार हमारे प्राचीन राष्ट्रीय पर्व रहे हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार जनों से और जगह भी बोलता हूँ, हम लोग इन बातों को आगे रखें, जिसमें राष्ट्र की एकता, आध्यात्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, आर्थिक एकता, आर्थिक समृद्धि और श्रम शक्ति, एक रस्ता, एक रूपता, अभेद और भेदभाव से रहित समाज हमारा प्राचीन वैदिक काल में था, और उसी रूप पर भारत आगे आए। और इस रक्षाबंधन में भी हम आपके जो श्रोता दर्शक है उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्नामी रक्षे बाचल मात्र, और 31 तारीख को रक्षाबंधन पर्व मनाए, सुबह स्नान ध्यान करके और रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत धारण करें हिंदू समाज सभी। एक चीज और रह गई, बस एक चीज रह गई इसमें ना, मैं डॉक्टर साहब एक बात आप पूछना, मैं एक चीज और बता दूं, स्पष्ट कर दूं, लोग भ्रम में न रहे। हाँ।
तो लोग कहेंगे जी दिन में बहन को आएगी, तो भाई आप सुबह 7 बजे तक रक्षा सूत्रों को कलावे की पूजन कर दीजिए, दिन भर बांटते रहिए। हाँ 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 जी सर, आप बोलिए क्या ये कि हमारे जो ये राष्ट्रीय पर्व थे या त्योहार कहे इनको जो भी, उसमें कैसे हमने बना दिया ना, जैसे अब हमारा जो दिवाली होती है उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, और होली में हम ऐसा रंग मजा देते हैं कि बुरी तरह से हालत खराब कर देते हैं। अब रामलीला भी होती है तो उसमें भी पूरा वो मतलब अजीब रामायण नहीं होती, वो कुछ नेताओं को माला पहना रहे वगैरह हो रहा, रक्षाबंधन में भी उस तरीके से नहीं रहा, रक्षा सूत्र का तो रहा ही नहीं रहा ना, मतलब हमारे जो ये त्योहार थे राष्ट्र के बजाय ये उसी तरह क्यों हो गया, बदल क्यों गया इनका स्वरूप? जब जब किसी सांस्कृतिक पर्व का, धार्मिक पर्व का व्यवसायीकरण होता है तो उसमें केवल व्यवसाय और लाभ की दृष्टि से ही जब होने लगेगा तो उसमें प्रदूषण फैलेगा। दूसरा दूसरा दीपावली पर बम पटाखे कहाँ चलते थे भाई, मुगल काल से शुरू हुए, पहले तो कहीं था नहीं, दिया जलाता था, घी के दिया जलेंगे, महालक्ष्मी का पूजन होगा, सारी रात्रि पूजन होगा, राष्ट्र की स्मृति के लिए पूजन होगा, है ना। मैं कहता हूँ बम पटाखे की क्या जरूरत है, यूक्रेन और रूस तो साल भर से इतने बम पटाखे, मैं तो कहता हूँ कई सालों के तक की दिवाली तो उसने ही बना दी है ना। और चलो होली दीपावली पर भी यदि पटाखे जलते भी है तो उसको हिंदू धर्म को ही आक्षेपित किया जाता है, इतने इतने युद्ध अभ्यास में जितना बारूद उड़ाया जा रहा है क्या उससे हिमालयी क्षेत्र कितना कंपित हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, इन पर ये कब शांत होगा? ये तभी होगा जब हम अपने हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म, भारत भूमि ऐसी है जो समग्र विश्व की शांति के लिए कार्य करती है, यदि हम ही अपनी परंपराओं को ठीक से नहीं निभाएंगे तो विश्व में शांति की कल्पना करना ठीक नहीं है। अच्छा दूसरा आपने एक और प्रश्न किया कि होली में आप देखे ना, होली में होली गायकी का पर्व है, वृंदावन है ना, उसमें होली के राग गाए जाते हैं, होली का राग है काफी थाट संगीत में, शास्त्रीय संगीत में काफी थाट, वहाँ विद्यालय है ITO के पास में जहाँ संगीत का इतना बढ़िया कार्य चल रहा है, तो और भी है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, और भी घराने हैं संगीत के, होली की है गायकी, जिसमें खमाज है, झिंझोटी है, जय जय बंती है ना, काफी है, इन रागों का गायन करते हुए होली गायकी का नाम है उसमें, है ना, उसमें समस्त रस प्रकट करने का समय है, बसंत के स्वागत का पर्व है। उस समय आप देखे सिर में अनोखी सी टोपी पहन ली, सफेद पैजामा पढ़ दिया, शराब पी करके हुड़दंग कर दिया, शोध प्रतिशोध की भावना आ गई, ये जो जा रहा है ये हमारे पर्वों का विद्रूपीकरण किया जा रहा है, हमें समाज को इस विषय को सोचना होगा। बिल्कुल जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा बहुत बर्धापनम आपको भी लखेड़ा जी, डॉक्टर लखेड़ा जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को बताते रहिए, समाज एक सुनता है। फिर होता था मैं तो अकेला चला, पीछे कार वहाँ जुट गया। जी जी, तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ शीघ्र ही आपके सामने आऊंगा, तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।